तो की राजधानी रायपुर के मेकाहर अस्पताल में 15 जूडा ने इस्तीफा दे दिया है। साथ ही एक दर्जन से ज्यादा डॉक्टरों के इस्तीफे दिए जाने की खबर है, जिसकी वजह से रायपुर में हड़कंप मच गया है। इस्तीफा देने वाले जूनियर डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना वायरस से जंग में भी उन्हें पीपीई किट नहीं मिल पा रही है, वक्त पर सैलरी नहीं मिल रही है, जान जोखिम में डालकर काम करने के लिए ये सभी मजबूर हैं। इस मुश्किल घड़ी में हौसला अफजाही के लिए सीनियर डॉक्टर्स भी अस्पताल में नहीं रहते, तो वहीं इस पूरे मामले में मेडिकल कॉलेज के डीन विष्णु दत्त का कहना है कि उन्हें जूनियर डॉक्टरों ने रिजाइन लेटर सौंपा है, लेकिन फिलहाल एस्मा लगा हुआ है और इसलिए उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। सहयोगी सत्या राजपूत राजधानी रायपुर से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्या, एस्मा लगा है तो इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया, नहीं तो कर लेते? ये सोचने वाली ये बात है कि प्रदेश में ऐसे भी डॉक्टरों की कमी है और कोरोना संकट के दौरान और भर्ती करने की बात कही जा रही है, लगातार जितने स्टाफ हो सके भर्ती करने के लिए ये पद सृजन किए जा रहे हैं। इसी बीच डॉक्टरों, जूनियर डॉक्टर हैं जो इंटर्न में थे, इनको 2 माह पहले आदेश निकाला गया था कि जितने इंटर्न डॉक्टर्स हैं उन सबको JR में भर्ती करें, जूनियर डॉक्टर में भर्ती करें, तो उसके आधार पर ये भर्ती किया गया था, लेकिन उनको ना ही समय पर तनख्वाह दी जा रही है, ना ही उनका सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है, तो इस चीज से वो नाराज हैं। साथ में उनके नाराजगी का बड़े कारण ये है कि जिनके ये जो सीनियर डॉक्टर है, कंसल्टेंट है, जिनके बदौलत वो रहते हैं, उनके हौसला अफजाई होते हैं, उनके मार्गदर्शन में इनको काम करना होता है, तो ऐसे संकट की स्थिति में वो हॉस्पिटल। बड़ा सवाल ये है सत्य कि आखिर सीनियर डॉक्टर कर क्या रहे हैं? अगर जूड़ा की हौसला अफजाई नहीं कर सकते तो क्या सीनियर डॉक्टर क्या ड्यूटी पर मौजूद नहीं रहते? जी बिल्कुल, यही उनका कहना है कि भाई उनको ड्यूटी पे रहना है, उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन वो ड्यूटी से नजारत रहते हैं। तो पहले पंक्ति पे जूनियर डॉक्टर हैं जिनको कोई भी सुरक्षा का अभाव है, वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं अपने, तो वहीं पर हम शासन प्रशासन की बात करें तो शासन प्रशासन हमेशा से तैयार है कि हमारे पास किसी भी संसाधन की कमी नहीं है। हमारे ठीक, आप रोकना चाहूंगी इस वक्त हमारे साथ, सीट है, ठीक रोकना चाहूंगी इस वक्त हमारे साथ PM लुका जुड़ गए हैं। इस वक्त हमारे साथ साहिब लाल आदिल मेडिकल शिक्षा संचालक जुड़ गए हैं। साहिब लाल जी, बहुत स्वागत है और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साहिब लाल जी, कई जूड़ा ने इस्तीफा दे दिया है, बहरहाल एस्मा लगा है तो मंजूर नहीं हुआ, लेकिन क्यों PPE किट, तमाम चीजें मुहैया नहीं कराई जा रही है, सैलरी नहीं दी जा रही है, सीनियर डॉक्टर का आता पता नहीं? देखिए क्या है, पहली बात तो यह कि अभी मेकाहारा में जिस अस्पताल की हम लोग बात कर रहे हैं, वहाँ हम लोग अभी तक के कोविड के मरीज को भर्ती नहीं किए हैं। कुछ ऐसे मरीज जो सस्पेक्टेड हैं वो आ गए हैं और इलाज के दौरान सस्पेक्ट किए गए हैं, वही मरीज ही आते हैं। अभी वहाँ पे हम लोगों ने कोविड पेशेंट एडमिट नहीं किया है। जहाँ तक के इनकी छोड़ने की बात है 15 डॉक्टरों की, ये आपको बता दूं कि जब हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ था उस समय इन लोगों की इंटर्नशिप समाप्त हुई थी, आवागमन के सारे रास्ते बंद थे, कोई जा फिर नहीं सकता था, तो इन डॉक्टरों को हमने उनके हित में और हमारे संस्था के हित में अपनी सेवाएं कंटिन्यू करने के ठीक है, तो आपने उनके हित में, अपने संस्थान के हित में इनको सेवाएं कंटिन्यू करने के लिए आप लोगों ने इन लोगों को अलाउ कर दिया। सैलरी तो देंगे ना सर? नहीं देंगे? हाँ नहीं नहीं, आप ये बता रहे हैं ना भाई, हम इनकी सैलरी दे रहे हैं और आपको ये बता दें कि हमारे पास, हमने इनको ब्लैंकेट कह दिया कि आप काम कीजिए, संख्या इनकी बहुत ज्यादा थी, तो सैलरी निकालने के लिए क्या होता है कि पद की आवश्यकता होती है और शेष राशि हमको दूसरे फंड से लेना पड़ता है, उस फंड से लेने के लिए हमको ये समय लग रहा है। अब हम निर्देशित कर्ज नहीं है सभी टीम को और इनकी सैलरी जो है ड्रावल के लिए ट्रेजरी चला जाएगा, और जो बच्चे अब लॉकडाउन खुल गया है तो बाहर जाना चाहते हैं उनको अपन कार्य मुक्त भी कर देंगे, ठीक है, और जो बच्चे उसमें हैं, क्या कहते हैं, बॉन्डेड हैं, उनको बॉन्ड की सेवा के लिए नियुक्ति आदेश DHS से जारी कर दिया जाएगा, वो कार्य जारी हो चुका है 341 बच्चों का, ठीक है, अच्छी चीज है साहिब लाल जी, इशू नहीं रह गया, लेकिन जिस तरह से जो आपने कहा कि कर दिया जाएगा और ये किया जाएगा, मतलब अगर आप लोग कर लेते, मेरी बात सुनिए, मैं संचालक में बैठा हूँ, मैं इनकी सैलरी ड्रा नहीं कर सकता, मैं मेरे को
डिस्पेंसिंग पावर नहीं है, डिस्पेंसिंग पावर डीन को ही है। तो इसको बहुत बड़ी राशि है, राज्य शासन से अनुमति तो लेना पड़ेगा ना भाई। totally बाद उसके बाद जो है हम डीन को आदेश दिए हैं आज। साहिब लाल जी, आई एम टोटली एग्री विद यू एंड आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम एंड योर लिमिटेशंस। मेन थिंग इज दैट कि जिस तरह से आप मतलब आप जिस पोस्ट पर हैं, एक जिम्मेदारी वाले पद पर आप बैठे हुए हैं, और वाकई में जब तक ऊपर से आप लोगों को अनुमति नहीं मिलेगी और जब तक ऊपर से आदेश नहीं होंगे तब तक नहीं होगा। मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जब आपने जो कमेटी बैठी होगी, आपने प्रारूप रखा होगा, तो इसके लिए थोड़े पहले अगर पहल कर ली जाती तो शायद इनको भी थोड़ा सा इत्मीनान होता और इस तरह की पैनिक सिचुएशन। हाँ, नहीं पहले से पहल की है तभी तो अभी आई है ना। ठीक, शासन में देखिए पूरा शासन ढप था, सारे तरफ से बंद थे, कोई आदमी आ नहीं रहा था, आप भी जानते हैं। जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि देश में बाकी में लॉकडाउन है और आप लोगों ने ये पहल की है, इसका स्वागत होना चाहिए। और बाकी में और हम भी चाहेंगे कि इस तरह की सिचुएशन से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट ना हो, क्योंकि इस वक्त देश को, प्रदेश को, हर एक शख्स की जो कोरोना वॉरियर है उनकी जरूरत है। बहुत शुक्रिया साहिब लाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। सत्य हमारे साथ जुड़े हुए थे। सत्य, बहुत संक्षेप में बात पूरी कीजिएगा। लगता है सत्या से हमारा संपर्क टूट गया है। अब तक की जानकारी के लिए सत्या आपका भी शुक्रिया। अशोकनगर के पिपराई के उपाय